साथियों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ब्यूटीफुल कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का। देख रहे हो बाजी शेरशाह को लोगों ने कितना प्यार दिया, कितनी तालियां बजा रहे हैं। अरे अरे शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद, विराजमान हो जाइए। सिद्धार्थ भाई कियारा आप दोनों को शेरशाह की सुपर डुपर हिट होने पे बहुत बहुत बधाई। अरे थैंक यू कपिल, थैंक यू। आइए कियारा प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां सिद्धार्थ और कियारा के लिए। कपिल चंदू Before you guys start, I want to do this to you guys. I saw the film. Are so sweet. Thank you. You were fantastic, both of you. Amazing. So sweet. Thank you. Thank you, man. So sweet. आप हमेशा अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले आते हैं। जी। है ना? इस बार सुपर हिट होने के बाद में आए हैं आप। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको इस मिर्क से दोबारा मिलके? मैं कहूँगा मेरे घर वालों को मैं कब से बोल रहा था कि ये तारीफ कर रहे हैं, ये प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा बेटा वो सब ठीक है, तुम कपिल के शो पे कब जा रहे हो? ओह माय गॉड, मतलब मेरे घर वाले, आई एम श्योर आपके भी घर वाले सब यही पूछ रहे हैं कि यार इस शो पे कैसे नहीं आए। जैसे ही पता चला कि ये शुरू हो गया शो ऑफिस, बहुत ही एक्साइटेड सब लोग। स्वीट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमें आना ही पड़ा आपके और आप सबके प्यार के लिए, तो थैंक यू सो मच। अच्छा लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ ब्रेक पे गया शो, उसके बाद शो जब वापस रिज्यूम किया हमने, तो कियारा अक्षय पाजी के साथ आई थी। इस बार नया सीजन ओपन हुआ तो आप सिद्धार्थ के साथ आई हैं। देखो आपको कभी ऐसा मिलने का मन हो, जरूरी नहीं किसी को साथ लाना है। आप अकेले भी आ जाया करो, भैया का ही घर है। भैया तो चले गए। दो दो बच्चे के बाद भी कपिल, बच्चे तो छोटे छोटे, उनको क्या पता चलता है। आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आपने दो दो फिल्में कर ली, हमसे जो हुआ था हमने भी कर लिया। लॉकडाउन में या तो फिल्में बननी थी या बच्चे। वाह। अच्छा सिद्धार्थ दिल्ली से हैं, पंजाबी फैमिली से, आई थिंक आप जी, आई एम श्योर आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं होगी, लेकिन हाँ। कियारा आपने जो पंजाबी बोली उस फिल्म में, क्या बात है। बिल्कुल, आपने कभी बताया नहीं पंजाबी के साथ आप इतनी कंफर्टेबल हैं। यू नेवर डिस्कस। आई हैव टू कम अलोन ना एंड मीट यू and discuss. When these boys are there, then only they are speaking in Punjabi. I don't get a chance. Oh wow, ये सब बातें हिंदी में बता सकते हैं मेरे को? उनको ये समझ नहीं आ रहा बोलने वाला। जब जब हम लड़कियां आती हैं इनके शो पर और जब अंग्रेजी में बातें करती हैं कपिल, इनका जो चेहरा, it's very interesting. देखो इनको पंजाबी पसंद है, आपको अंग्रेजी पसंद है। हाँ। Perfect. तो कितने wow. भाई बहन प्यार से स्कूल में पढ़ेंगे। उदाहरण आप थोड़ी देर बादाम खा लो प्लीज। नहीं, गरीब आदमी के साथ हर जगह गलत होता है। गरीब तो किसी से नहीं है। ये तो चैनल के कपड़े हैं, ये तो एपिसोड खत्म होते हैं वहां तक नहीं जाने देते, तो उतरवा लेते हैं वो तो खैर ऐसे ही है। पर आपको इतना लोगों ने पसंद किया, और आपको पता है पंजाब वालों को तो यही लग रहा है कि आप पंजाबी हैं, तो सारा पंजाब आया हुआ आज देखो आप कितने सारे पंजाबी आए। हाँ अच्छा सिद्धार्थ, ये जो शेरशाह की शूटिंग हुई, मैंने सुना रियल लोकेशंस पे आपने शूट किया, लद्दाख कारगिल जी, तो कितना मुश्किल था आपके लिए शूटिंग करना? हम लोग थे तकरीबन 12,000 फीट या 14,000 फीट अबव सी लेवल। वाओ। और वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ की हवा काफी तेज होती है, तो हमने तकरीबन 45 डेज वहाँ पे शूट किया। okay. क्योंकि ये काफी करीब था जहाँ पे हमारे एक्चुअल सैनिक जो लड़ रहे थे। बढ़िया, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सैनिक जो कम से कम 16,000 फीट पे थे, हमसे काफी ऊंचे, हमारे पास फिर भी एक रीटेक का ऑप्शन हमेशा होता था, पर हमारे सारे वीर जवान जो 527 जवान जो हमारे शहीद हुए, उनके पास कोई भी रीटेक का ऑप्शन नहीं था। उससे भी ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस में हम सब के लिए वो लोग लड़े थे 99 में, तो फिर हमारी मुश्किलें थोड़ी कम लगती है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी फर्स्ट एक्चुअली। हमारे काफ़ी जो आप पिक्चर में जवान देख रहे हैं वो एक्चुअल इंडियन आर्मी के जवान है। अच्छा। वो जो मेरा सबसे प्यारा किस्सा वही है कि दूसरा दिन था मेरा वहाँ पे कारगिल में, और वहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कोई पेड़ या घास नहीं होते थे, तो शॉट के बीच में बैठे हुए हम लोग अपना पूरा गियर वेयर गन लेके, तो मिट्टी विट्टी थी, तो उठा जब मैं, तो कॉन्टीन्यूटी कॉस्ट्यूम कॉन्टीन्यूटी के लिए कपड़े झाड़ने शुरू कर दिए मैंने, तो वो देख रहा है मुझसे यंग जवान कब से, कि ताड़ते ताड़ते बोलता है कि अरे क्या हो गया साहब, अपनी तो मिट्टी है। वाह वाह,
Wow. So, मतलब मैं ऐसा मुस्कराया, ये हमारे लिए शायद डायलॉग हो, बट वो हमारी इंडियन आर्मी या सारे फोर्सेस ये जिंदगी जीते हैं, मतलब एक्चुअली वो लोग, उनके लिए कोई डायलॉग नहीं है. सो उस दिन से, मतलब जब से हमारे साथ शूट कर रहे थे, दे वर अ बिग इंस्पिरेशन यार कि आप लोग करते कैसे हो, हम लोग तो फिर भी रीटेक कर रहे हैं. हम लोग प्लान कर रहे हैं. आपको असल में जब दुश्मन ऊपर बैठा होता है और ऑड्स आपके अगेंस्ट होते हैं, हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन आर्मी एंड आर्म फोर्सेस टू डू दैट ऑल द टाइम. आर्मी में बहुत डिसिप्लिन भी होता है. और एक और बात है, जब ऐसे जैसे टाइगर हिल या लद्दाख या ऊपर कारगिल में जाके जब वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, तो फिर चाहे कोई पंजाब से हो, गुजरात से हो, चाहे साउथ से हो, पटियाला सबको याद आता है. ठंड बड़ी होती ना पटियाला. अच्छा, हुए थे इंटरनली गर्म आपके लिए? मैं वैसे तो पंजाबी फैमिली से हूँ, पर एक चीज जो मेरे घर वाले ही बुरा मानते हैं कि मैं पीता नहीं हूँ. अच्छा, हमारे लिए इनके ख्याली काफी थे वहाँ पे. गर्मी के महसूस करने के लिए. वाह जी, वहां से उनकी लव स्टोरी ऐसी है, विक्रम जी और डिंपल जी की. I almost missed that. सिद्धार्थ, क्यारा, आप दोनों सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं और बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स भी आप लोग हमेशा पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन क्या है, एक्टर लोग हैं, इनके पास टाइम नहीं होता चेक करने का कि लोग क्या क्या लिख रहे हैं. और लोगों के कभी कभी कमेंट्स बड़े खूबसूरत, प्यारे, क्रिएटिव होते हैं. तो मैं आज आपके सामने वो कुछ पढ़ना चाहता हूँ. जी, अच्छा, पोस्ट का पोस्टमार्टम. अरे वाह, सिद्धार्थ ने लिखा है, आई नो ए सुंदर सुशील मैन इज टोटली योर टाइप. किसी ने लिखा है, माँ मेरी नौकरी लग गई है, अब तुम्हारे गठिया का इलाज करवा दूंगा. गठिया, अच्छा, गठिया, 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 गठिया. एक और है, आगे जो पेट्रोल पंप है मैं उसका क्रेडिट कार्ड बनाता हूँ. एक किसी ने लिखा, तुम्हारे जैसा एक आदमी फिल्मों में भी आता है. और भी है, पीछे जो बंगला देख रहे हैं, इसके मालिक का ड्राइवर रूम है. क्या हैंडसम लग रहे हो भाई, तुम तो बैंक में भी नौकरी कर सकते थे, कहां फिल्मों में आ गए. ओह लो जी, ओहो वाओ, अंडर वाटर, वाओ, चेक ऑन योरसेल्फ, पानी के अंदर पंक्चर चेक करता हुआ आदमी. पंक्चर के स्पेलिंग देखो, पिंचर क्या, पिंचर ही होगा ना. अच्छा, नींबू रंग का है, ऊपर से पानी, नींबू पानी का असली मजा तो आप ले रहे हो. ओह गॉड, आपको करण जौहर ने लॉन्च किया है या बाबा रामदेव ने? बाहर आते हुए दो पॉम्फ्रेट ले आना. वाह, व्हाट अ क्रिएटिव कमेंट. पॉम्फ्रेट. और भी है, लेट्स हैंग आउट. लो जी भाई, तो बिल्कुल चमगादड़ लग रहे. पक्की आज सस्ती वाली पी होगी. ये करने के बाद भगवान मिले क्या? हॉर्सिंग अराउंड इन लखनऊ. ये घोड़ा है या घोड़ी, ये पकवान. सिद्धार्थ चिपक के खड़े हैं, घोड़ी ही होगी. फिट. ये घोड़ी पान मसाला खाती है क्या? That's it. Beautiful. वकील को देख रही हूँ, जो तुम्हें जज कर रहे हैं उनको तो देख नहीं रही. यार तुम्हें पता है कि मैं इससे ज्यादा घूम नहीं पाऊंगा, तो पीछे क्यों खड़ी हो, आगे आ जाओ ना. आप जैसे लोग मुझे आगे आने कहाँ देते हैं? यार अब मैं घूमाऊं कहाँ गई तुम? मैं यहाँ हूँ. मैजिक. अरे बाप रे, ओहो आ गई. हाँ आ गई. हाय 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 सिद्धार्थ, हाय कियारा, आपका फिल्म के लिए बहुत बधाइयाँ. बधाइयाँ लेकर आई हो. और क्या, सेवइयाँ लाके आए वो? अरे मेहमान आए, चाय लेकर आती. यार चाय क्या, हम कॉफी पे चलते हैं. यार ये आप
मुझे तो कभी नहीं था कि कॉफी पे चलते हैं। आप कॉफी पे नहीं ट्रेडमिल पे चलो। वाह सुपर। ओ गोवा की शशि थरूर। यार तुम मेरी असिस्टेंट हो के मुझे क्या जुबान लड़ाती हो? तो क्या जुबान लड़ाने के लिए एक और असिस्टेंट रख लूं क्या? Listen, just ignore them. हम लंच पे चलते हैं? जी आप कब फ्री हो रही हैं? तुम लंच पे चलती हो, कॉफी पे चलती हो, थोड़ा शो में भी चलो। इनकी बात मत मान लो हाँ। मुझे आपको एक चीज बताना चाहिए। I think you're the hottest guy in the industry. Yeah. So sweet. Thank you. This is pure chaplusi. Pure. Pure. Pure chaplusi. मुझे तो आज तक कभी नहीं कहा कि I'm the hottest guy. यार वकालत तुम हमसे सीख रही हो और किसी और के प्यार में भीग रही हो। ऐसे ना हमें तरसाइए, थोड़ा प्यार हम पे भी तो बरसाइए। मेरा और सिद्धार्थ का आपसी मामला है, आप बीच में मत आइए, बस हमको आशीर्वाद कर दो और बाप का फर्जा निभाइए। वाह जवाब देना। बाप पे मत जाना। बाप पे मत जाना। हाँ बाप पे ये खुद नहीं गए। जाना है तो अंदर जाना। गो। नहीं मुझे अंदर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि मैं सिद्धार्थ के साथ एक रोमांटिक डांस करना चाहती हूँ। अरे तो गलत बात हो गई ना, सिद्धार्थ के साथ रोमांटिक डांस मैं भी करना चाहता हूँ। आप क्यों करना चाहते हैं सिद्धार्थ के साथ रोमांटिक डांस? मैं एक्चुअली कियारा के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये मानेंगी नहीं। चलिए बस हो गया, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.